हेलो एवरीवन, एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके अंदर आप सबको अपना एक लिस्ट मिलेगा जिसमें आप अपना नाम और रोल नंबर के साथ चेक कर सकते हैं। और बाकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ वगैरह है ये सारी भी रिलीज कर दी गई है। तो इस नोटिस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पीडीएफ आपको पास मिलेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो मेन मेन चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं यहाँ इसका दिया गया है। दो अलग अलग लिस्ट निकले हैं, एमटीएस का अलग लिस्ट निकला है और हवलदार का एक अलग लिस्ट निकाला गया है। तो दोनों के कट ऑफ जो है वो सेपरेट बनेंगे और दोनों का सारा प्रोसेस भी अलग चलेगा। इसके आगे आपको पता होगा कि एक डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और एक पीईटी या पीएसटी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो इस सब का आपको ध्यान रखना होगा आगे। और आपका जो मार्क्स वगैरह है वो मार्क्स आपका कब आ जाएगा, तो ये देखो 15 नंबर में लिखा हुआ है कि आपका जो मार्क्स है वो 17/10/2022 से अवेलेबल रहेगा। तो जो भी क्वालिफाइड है या नहीं भी क्वालिफाइड है, सारे लोगों के मार्क्स अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपने क्वालिफाई किया है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी क्वालिफाई किया है तो आप इस पे जाके एसएससी की वेबसाइट में लॉग इन करके 17/10/2022 से और 6/11/2022 तक अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें आपका सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे आपको अपना जो पुराना आपने प्रेफरेंस वगैरह डाला था वो भी मिल जाएगा। देखो रिजल्ट कुछ इस टाइप का है। मान लो आपको चंडीगढ़ में का कट ऑफ देखना है तो इसमें आपको ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 87.90173 है। ये आखिरी सेलेक्टेड कैंडिडेट का मार्क्स दिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, इससे आपका काम नहीं है। आपको यहाँ पे कट ऑफ देखना है। और दूसरा, अगर आप अपना खुद का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये रिजल्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ओपन होने के बाद रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे अदर एग्जाम्स को टैब में जाना है। और इसमें जब जाओगे तो देखो आप एमटीएस का दो मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, ये लिस्ट वन है और ये लिस्ट टू है। ठीक, तो पहला लिस्ट जो है लिस्ट वन ये एमटीएस के लिए और दूसरा जो लिस्ट है वो हवलदार का है। तो इसके लिए आप राइटअप में नहीं जाओगे, आप रिजल्ट वाले में जाओगे। जब आप रिजल्ट में जाओगे तो एक आपका पीडीएफ इस तरह से ओपन होगा। इस पीडीएफ में रोल नंबर के ऑर्डर में आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। इसमें जाकर के आप अपना रोल नंबर अभी फिलहाल के लिए सर्च कर सकते हो। अगर आपका नाम या रोल नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि आप सिलेक्शन ले चुके हैं, अपना कैटेगरी आप मिला लोगे। और ये जो आपको रिकॉर्ड नंबर लिखा हुआ है ये रैंक नहीं है, तो इसको रैंक को देख करके कन्फ्यूज नहीं होना, ये रैंक बिल्कुल नहीं है, ये बस एक सीरियल नंबर है। तो यहाँ से आप चेक कर लो, अगर आपका नाम इसमें है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। आप फर्दर चीज़ों की प्रैक्टिस करो, फर्दर चीज़ों में जो एमटीएस के लिए सेलेक्टेड हैं उनको आगे चल के डिस्क्रिप्टिव देना होगा। डिस्क्रिप्टिव का डेट जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो उसके लिए आप तैयारी करेंगे। और जो पीईटी या पीएसटी जो है इसका डेट अभी नहीं आया है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, डेट आपको एसएससी की वेबसाइट पे ही बता दिया जाएगा। तो इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ पर जो डी बार कैंडिडेट्स है उनके बारे में थोड़ा जानकारी दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो 6 नवंबर को होने वाला है, तो इसके लिए जो भी लोग सेलेक्टेड है बिल्कुल आराम से जाएं, एग्जाम जरूर देने जाइएगा। मार्क्स आपका जितना भी रहता है उसका भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मार्क्स आपका जो भी आ रहा था नॉर्मलाइज करके आएगा, तो इसलिए आप नॉर्मलाइज मार्क्स देखने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों ही आपको 17 तारीख को देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन। हालांकि जो सेपरेट लिस्ट निकाला गया है पहले ही रूल में दिया गया था, लेकिन इसके वजह से थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि एक तरह से वैकेंसीज जो है वो अच्छे से स्प्लिट नहीं हुई है, तो इसलिए। लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है, जो भी लोग ने सिलेक्शन लिया है आगे के प्रोसेस के लिए अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा 17 तारीख को, उसके बाद ही कोई मेजर डिसीजन लीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।